हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छा लग रहा होगा, इनकम टैक्स पढ़ते हुए मजा आ रहा होगा, क्योंकि जब टैक्स के रिगार्डिंग कुछ बात आती है ना, तो एक इंटरेस्टिंग सा लगता है कि हाँ भाई, कैसे एक टैक्स मुझे पे करना है और कैसे मैं उस टैक्स को सेव कर सकता हूँ। सो लास्ट वाले जो सिस्टम थे, मतलब जो हमारी लास्ट क्लासेस थी, उन कुछ क्लासेस में हमने टैक्स के रेट्स को समझा, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि हाँ कि क्या टैक्स है और कैसे मैं उसमें, मतलब दो ही, जब से दो स्लैब्स आ गए, मतलब दो सिस्टम आ गए मेरे, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू वाला, सो इसमें मेरे पास कौन सा ऑप्शन लेना मेरे लिए बेटर है, ये ना एक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है किसी के लिए भी रिप्लाई करना। जैसे मैंने आपको बताया ना, ऑनलाइन कैलकुलेटर बस सबसे आसान। अरे कहाँ तक आप मैनुअली कैलकुलेट करोगे, कितना टाइम दोगे? ऑनलाइन फटाफट चेक कर लो, तो वहां से आप एकदम इसको चेक कर सकते हो कि भाई किस में कितना बेनिफिट है। ना कोई आपको एक्सेल शीट प्रिपेयर करके रखनी है, फॉर्मूला प्रिपेयर करके रखना है, ना मैनुअली बार बार कैलकुलेट करना है, बट अपने आप ही अरेंज करके देख लो फटाफट। जैसे मुझे लगा कि नहीं भाई 2 लाख पे करो या 2.5 लाख पे करो, जैसे भी जो भी चीज है, तो उस हिसाब से आप उसमें डेटा फिल करके एकदम चेक कर सकते हो। अब जो हमारे सामने बात आ रही है, ये आ रही है रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। हमने पहले पढ़ा ना कि इनकम टैक्स के जो रेट है वो क्या रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, जो पर्सन रेजिडेंट है उसके लिए अलग है, और जो नॉन रेजिडेंट है उसके लिए डिफरेंट रेट है। सो मतलब इसलिए हमारे लिए पता होना ये इंपॉर्टेंट है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। दूसरी एक चीज समझो, आप मान के चलो कि आप किसी और कंट्री के रहने वाले हो, ठीक है, नॉर्मली कौन सी कंट्री में जाना चाहोगे? मैक्सिमम इंडिया वालों को कनाडा का रहता है, ठीक है, सो आप कनाडा में रहते हो। अभी क्या हो गया, आप कनाडा में रह रहे हो, वहां पे अर्न कर रहे हो, तो वहां पे टैक्स पे कर रहे हो। आप इंडिया में भी कुछ काम कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और यहाँ से भी आपकी कोई इनकम है, तो यहाँ पे भी अगर इनकम अर्न कर रहे हो तो यहाँ पे भी टैक्स देना है। अभी क्या दो तरफ से टेंशन आ रही है कि भाई यहाँ पे भी टैक्स लू या वहां पे टैक्स लू, और टैक्स का ना डबल एक ट्रीटमेंट सा आ जाता है हमारा कि भाई यहाँ पे भी टैक्स के बर्डन अलग हो जाते हैं, वहां पे अलग हो जाते हैं। सो गवर्नमेंट ने ना सेपरेट रूल्स रखे हैं, उन चीजों को एक्सप्लेन करा है कि हम आपको ना कब अपना देश का मान के चलेंगे, कब हम विदेशी मानेंगे आपको, कब हम रेजिडेंट मानेंगे, प्योर रेजिडेंट हो, और कब हम ये कहेंगे कि ठीक है हो तो इंडिया के बट नॉन रेजिडेंट हो, यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तो उसके हिसाब से ना उन्होंने टैक्स रेट अलग अलग करके चुने हैं, ठीक है। सो सबसे पहले टू डिसाइड वेयर टू पे टैक्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ये हम नॉर्मली देखते हैं कि टैक्स हमें इंडिया में देना है या इंडिया के बाहर देना है। सो अभी जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हमारे टैक्स रेट में फर्क आएगा, बट बाद में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमें ये देखना भी रहता है कि वो टैक्स एक्चुअल में इंडिया में लगेगा भी या नहीं लगेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली सारी चीजें हम इसके बेसिस पे कवर करते हैं। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल के बेसिस पे कि हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। हमारे सामने तीन टर्म्स आएंगे, रेजिडेंट, फिर आएगा रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और एक आएगा रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास तीन टर्म्स आने वाले हैं, एक तो ये हो गया रेजिडेंट हो गया, एक ROR जिसको हम कहते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक क्या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो सबसे तो पहले ये देखते हैं कि वो बंदा इंडिया का कहलाएगा भी नहीं कहलाएगा, रेजिडेंट मतलब इंडिया का रहने वाला, फिर उसके बाद उसको क्वालिफाई करेंगे कि भाई वो रहने वाला तो इंडिया का बट कैसा है, बिल्कुल एक नॉर्मल बंदे की तरह, ये नहीं रहने वाला तो इंडिया का बट नॉर्मल नहीं है, तो ऐसा। पहली क्लासिफिकेशन किस लिए, कि वो रेजिडेंट है भी या नहीं है। इसमें हमारे पास दो कंडीशन आती है, बहुत ध्यान से, इसमें कंफ्यूजन होता है लेकिन मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, चार्ट भी बहुत इजी पैटर्न पे है, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। सो बट जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा कंसंट्रेशन, इधर उधर ध्यान अपना डाइवर्ट होने देना। टोटल स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, हाईलाइट करके चलूं क्या? टोटल स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल में आप इंडिया में कितना टाइम रहे, 182 डेज या उससे ज्यादा, ठीक है। नॉर्मली कितने ईयर, एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 364 हमारे रहते हैं, ठीक है, मतलब। सो अभी उसका ना इन्होंने एक तरफ से क्या कर दिया, हाफ कर दिया, कि वो कह रहे हैं कि देखो भाई आधा या आधे से ज्यादा टाइम तुम इंडिया में रहे ना तो तुम इंडियन हो, ठीक है, मतलब इंडिया के रहने वाले हो ऐसा माना जाएगा। सो ये क्या कहलाएगा कि अगर पिछले एक साल में तुम इंडिया में 182 डेज रहे या उससे ज्यादा रहे, 182 रहे तो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, या उससे ज्यादा रहे तो हम क्या मानेंगे कि हाँ भाई इंडिया के रहने वाले हो, रेजिडेंट, ठीक। फिर इसके बाद है और अगर कोई बंदा इंडिया में ना पिछले साल सिर्फ 180 डेज रहा है, तो वो तो खुश हो गया, कहने लगा रहे भाई मैं तो यहाँ को हो ही नहीं, छोड़ो मुझे टैक्स ही नहीं लगेगा,
क्यों टैक्स जो लगेगा ना वो रेजिडेंट वाले पे लगेगा, क्लियर। सो अगर वो कह रहे हैं ना कि भाई मैं तो इंडिया के बाहर का हूँ, तो अभी वो कह रहा है कि देखो भाई मैं इंडिया के बाहर का हूँ, लाइक मैं तो अमेरिकन हूँ, कैनेडियन हूँ, मैं इंडिया का हूँ ही नहीं, यहाँ का रहने वाला ही हूँ, ऐसे बात होने लगी। इंडियन गवर्नमेंट कहने लगे रुको रुको इतना ज्यादा खुश मत हो, अभी तो सिर्फ हमने एक चेक करा है, पहला स्टेप चेक करा है, ठीक है, इसमें क्वालिफाई नहीं करे, अभी हम आपको अपना मानने के लिए एक को चेक करना चाहेंगे, हम तो चाहते हैं कि आप हमारे बनो, ठीक है। सो गवर्नमेंट क्या कह रही है, टोटल स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एक्सीडिंग 60 डेज, कि चलो हम ये कह रहे 182 डेज नहीं रहे लेकिन 60 डेज से ज्यादा रहे हो क्या। अगर वो कहने लगा हाँ एंड और, मतलब ये दोनों सिचुएशन पूरी होना जरूरी है, फर्स्ट और सेकंड वाले, ठीक है, ये दोनों पूरी होना जरूरी है। टोटल स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर्स एक्सीड 365 डेज। तो भाई देखो मैं क्या कह रहा हूं, इसमें से क्या सिचुएशन को समझो, और एंड का मतलब समझो, और का मतलब है या तो ये या फिर ये, एंड का मतलब दोनों। तो मतलब पहले वाले में से तो क्या कहा, पहले ही उसने कहा कि देखो 182 डेज रहे हो या उससे ज्यादा रहे हो तो फिर तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो भाई क्वालिफाई हो गए, तुम अभी रेजिडेंट कहलाओगे, नहीं रहे हो ना तो फिर मैं दूसरी चीज चेक करूंगा, कोई बात नहीं जाने तो मैं दूसरी चीज चेक करता हूँ। दूसरी चीज के अंदर दोनों सिचुएशन पूरी होनी चाहिए, पहली सिचुएशन क्या, इंडिया में आप 60 डेज या उससे ज्यादा रहे हो, एंड दूसरा ये भी जरूरी है 60 डेज से ज्यादा रहे हो प्लस क्या लास्ट 4 ईयर्स में टोटल मिला के 365 डेज से आप ज्यादा रहे, क्लियर है ये वाली बात, ओके। सो ये दोनों का मेरा होना कंपलसरी है। चलो अब मैं इसका आपको कुछ कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि किस तरह से हमारा सिचुएशन बनती है। पहली चीज अगर मैंने कहा कि इंडिया में ना पिछले साल एक पर्सन था वो 30 डेज रहा, तो क्या वो रेजिडेंट कहलाएगा, मैं देखूंगा ओ 30 डेज मतलब 182 से कम है, मतलब पहली वाली तो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया, अब दूसरी वाली में दो कंडीशन पूरी करनी है उसको, 60 से अबव और 4 साल में 365 से अबव, तो लास्ट ईयर में 60 से अबव हुआ क्या, ना ये तो भाई तब भी नहीं हुआ, तो हमने कहा कि भाई छोड़ो तुम रेजिडेंट हो ही नहीं, क्लियर। अच्छा अभी वो क्या रहा है कि पिछले साल में ना 80 डेज रहा है, पिछले ईयर में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, लास्ट ईयर में कितना टाइम रहा है 80 डेज रहा है, और पिछले 4 साल में वो 500 डेज रहा है, समझ में आया, लास्ट ईयर में तो 80 और टोटल मिला के 4 साल में कितने 500 डेज। सो अभी मैं क्या कैलकुलेट करने लगा, मैंने कहा भाई लास्ट ईयर आप 182 से ज्यादा रहे हो गया, वो कहने लगा ना भाई मैं तो सिर्फ 80 डेज रहा था, हमने कहा पहली वाली तो क्वालिफाई नहीं करी, बट कोई बात नहीं हमारे पास ऑप्शन है दूसरी वाली को चेक करने का, दो चीजें चेक करनी है, क्या 60 से अबव, हाँ भाई 60 से ऊपर रहे हो आप, क्या 80 डेज रहे हो, और पिछले 4 साल में क्या 365 से ऊपर रहे हो, हाँ वो भी ज्यादा रहे हो आप, 500 से ज्यादा रहे हो, तो मतलब अभी आप क्या हो रेजिडेंट, समझ में आया ना। तो और एंड का कॉम्बिनेशन समझ में आया ना, ए या बी में से कोई सा भी एक चलेगा, बट बी के अंदर दो पार्ट है वो दोनों होने जरूरी है, एक पूरा हुआ और एक अधूरा रह गया तो फिर रेजिडेंट नहीं है। चलिए अभी मैंने क्या कहा, एक सेकेंड, हाँ अभी क्या हुआ कि हमने ना रेजिडेंट तो बोल दिया उसको, अब रेजिडेंट के बाद हम एक और देखेंगे कि रेजिडेंट कैसा ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, मतलब हाँ रहने वाला तो है और ऊपर से नॉर्मल भी है वो रहने वाला, ठीक है। सो उस चीज को चेक करने के लिए अब जब हम देखेंगे ना, अब हमें देखना है रेजिडेंट वाले केस में कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है क्या। सो उस केस में बात आती है कि हमें अब फर्दर ये वाली सिचुएशन तो हो गई, अब फर्दर और एक्स्ट्रा सिचुएशन चेक करनी होगी। टोटल स्टे इन इंडिया लास्ट 7 ईयर, पिछले 7 साल में वो टोटल जो है वो 730 या उससे ज्यादा डेज रहे हैं, ठीक है, एंड मतलब दोनों का होना जरूरी है, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, एंड रेजिडेंट इन एनी टू प्रीवियस ईयर आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर, या पिछले 10 साल में से किसी 2 साल में क्या इंडिया में रहे हैं। सो देखो सबसे पहले तो मैं क्या कहूंगा रेजिडेंट है क्या, तो उसके लिए शुरू वाली दो कंडीशन चेक कर लूंगा, 180 to 60 plus 365 वाली, ये तीनों में से जो भी कॉम्बिनेशन था मेरा उसके हिसाब से, फिर मैं आगे फर्दर देखना चाहता हूँ कि वो भाई ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी। सो ऑर्डिनरी के लिए देखूंगा तो अगर उसने ये दो सेटिस्फेक्शन रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर दी तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर नहीं कर पाया ऊपर वाली करके रह गए सिर्फ, मतलब ये हमारी ऑर्डिनरी वाली ये वाली तो कर दी बट नीचे वाली ये वाली नहीं कर पाए, सो हम फिर क्या कहेंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहाँ पे मैंने क्रक्स भी मेंशन है, इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइड बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देते तो हम उसको ROR कहते हैं, और सिर्फ या तो मतलब नीचे वाली कोई कंडीशन नहीं कर रहे ऊपर वाली कर दी तो फिर हम उसको NORNOR कहते हैं, क्लियर है यहाँ तक।
सो रेजिडेंशियल स्टेटस क्लियर हुआ यहाँ तक आपको, इसमें एक बार थोड़ा सा रीरीड कर लेना और उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, ये वीडियो पहले कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद नोट कर लीजिए, ये पहले सारी नोटिंग करके रख लीजिए, नोट्स आपको अवेलेबल हो ही जाएंगे, पहले आप नोटिंग्स करके रख लीजिए, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, तो उसमें आपके पास सब कुछ अपनी कॉपी में भी नोट ही रहेगा, तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करूंगा आपको कि क्लास लेते वक्त लिख लो, वरना क्लास कंप्लीट करने के बाद लिखो, ताकि मैंने अगर कुछ मॉडिफाई करवाया है या कुछ आपको फर्दर सजेस्ट करा है अकॉर्डिंगली आप इसमें अपडेट कर सकोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसमें, अच्छा एक पॉइंट रह गया इसमें, एक जो सेकंड कंडीशन है ना, मतलब इसमें कुछ इंडिविजुअल्स की बात करिए, इंडियन सिटीजन्स जो हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, स्पेशल केसेस है, बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं, बट फिर भी अगर कोई क्रू मेंबर था, मतलब इंडियन शिप का कोई पर्सन है, उसका क्रू मेंबर है, उसने पिछले साल क्या करा है क्रू के लिए, अभी उनका क्या होता है जब आप शिप में ट्रेवल करते हो तो लॉन्ग पीरियड का ट्रेवलिंग हो जाती है, तो उनके लिए, या फिर इंडियन सिटीजन हु लिव इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या जिन्होंने इंडिया को छोड़ा है पिछले साल बाहर कहीं जॉब करने के लिए, लास्ट ईयर ही छोड़ा, पहले के नहीं, लास्ट ईयर ही उन्होंने क्या करा है इंडिया को छोड़ा, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू विजिट इंडिया इन प्रीवियस ईयर, या वो बंदा जो इंडियन ओरिजिन का है तो मतलब वो इंडिया का, उसके पेरेंट्स वगैरह इंडिया के थे और विजिट करने के लिए आया, सो मैं उसको क्या कहूंगा, रेजिडेंट बोलूंगा सिर्फ अगर वो इंडिया में 182 डेज से ऊपर रहते, तो मैं सेकंड कंडीशन जो है ना 60 और 365 वाली वो वाली चेक नहीं करूंगा, उनको तो कहूंगा भाई देखो 182 से ज्यादा रहो तो ही रेजिडेंट हो, अगर उससे नीचे तो फिर नहीं, फिर मैं सेकंड वाली चेक नहीं करूंगा, स्पेशली इन तीन लोगों में, बाकी सबके में तो मुझे वो नॉर्मल वाला लेना है, ये वाले थोड़े से कम यूज हो पाते हैं, बट ठीक है फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, मैं तो अपनी तरफ से आपको सारा बता के चल रहा हूँ और आप भी इसको एक बार याद रख के चलना, क्या दिक्कत है, क्लियर है। सो अब हाँ कंप्लीट हो गया, अब इसमें जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस था इंडिविजुअल का वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, कंपनी वाला जो है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, ठीक है, चलिए।